हेलो एवरीवन। सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमने लास्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है देख लिया, प्रियम्बल देख लिया, हमने जुडिशरी देख ली है, सॉरी जुडिशरी नहीं देखी, हमने पार्लियामेंट देख लिया, लोकसभा राज्यसभा देख लिया, प्रेसिडेंट देख लिए। तो हमारे लिए आज के लिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और हमें ये बचता है हमारा जुडिशरी और हमारे आर्टिकल्स। तो आज की क्लास के अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी लास्ट वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो चालू करने से थोड़ा आज गला ख़राब है, तो प्लीज़ कॉपरेट विद दैट। तो चालू करने से पहले अपन बात करते हैं कि बहुत लोगों ने नाम सुना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लोग ये चीज़ें होती क्या है? व्हाट इज दिस फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर गिवन टू सिटीजन्स प्लस सम राइट्स आर गिवन टू फॉरेनर्स। ये कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब वो बहुत ज़रूरी है इंसान के सर्वाइवल के लिए। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने प्रियम्बल में देखा था, हमारा डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा है, तो उसके अंदर हमें फंडामेंटल राइट की बहुत असेंशियल्स है। बिना इसके हम कैसे वर्क करेंगे? हमारे पास अगर कोई फंडामेंटल राइट नहीं होगे, हमारा कोई अधिकार नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में। ये जस्टिसिएबल वर्ड ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब अगर किसी ने मेरे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करा तो मैं उसके रिगार्डिंग कोर्ट जा सकता हूँ। तो जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि मैं उनको अप्लाई कराने के लिए कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, अप्लाइज टू सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड एंड डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दे रखे हैं तो वो इन्फोर्स होने के लिए दे रखे हैं, उसके लिए कोई लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन पर अप्लाई होती है, और फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसिएबल होती है नेचर में, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता मैं। अगर मेरा किसी कारण में किसी ने, स्टेट ने मेरा फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करा है, मेरा बेसिक अधिकार को वॉयलेट करा है, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी में मैं कोर्ट नहीं जा सकता। अभी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल होती है स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? दे आर द आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाली, पर उन्होंने एक अलग सेक्शन बना के डाल दी कि भाई ये जो स्टेट होती है ना, ये ऐसी ऐसी होनी चाहिए। एक तरीके से आइडियल आइडियल बातें करी है। ये स्टेट के प्रिंसिपल्स, ये स्टेट को गाइडलाइंस दिए, दे आर मियर गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए, हम इसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दिए, हम इसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये बोलता है, फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है कि एक आम नागरिक को क्या क्या करना चाहिए, मतलब वो ऐसा होना चाहिए, उसको अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टोटल 11 है नेचर में, टोटल 11 ड्यूटीज़ है। और फंडामेंटल राइट्स हमारे हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। अभी हम इसके बारे में ढंग से डिस्कस करेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी ओवरव्यू मिल रहा है, ये मत सोचना कि मैंने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करा दिया, ऐसे नहीं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं मियर गाइडलाइंस टू द स्टेट्स, दे आर द आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दैट दे आर अनेबल टू पुट और एनफोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दे हैव मेड अनदर सेक्शन नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि ये स्टेट की मर्जी है, स्टेट इस पर लेजिस्लेशन ला के एनफोर्स करवा सकता है। अगर लेजिस्लेशन ला के एनफोर्स करा दिया तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर एनफोर्स नहीं करा पाया तो ये एक मियर गाइडलाइंस की तरह रह जाएगी। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, दे आर द आइडिया मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगता है अगर ये चीज़ें और होती तो हमारी कम्युनिटी पर करती और उसका वेलफेयर होता, और दे रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन फॉर देयर इन्फोर्समेंट, ठीक है। अब सुनना,
ये मैंने ओवरव्यू दिया है, अब मैं ना आर्टिकल वन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आर्टिकल वन से स्टार्ट करता हूँ कि हमारे क्या चीज़ है। मैंने जैसे मैंने मैंने ये क्लास वन में डिस्कस करा था कि हमारे कितने आर्टिकल्स होते हैं। एक मैंने आपको बुक का एग्जांपल दिया था कि देखो बुक के जितने चैप्टर्स हुए उनको आर्टिकल्स बोल दो, उन चैप्टर्स को कंसोलिडेट कर दो, उन चैप्टर्स को मिक्स कर दो तो वो पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, शेड्यूल्स अलग चीज़ है। ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी थी हमारे लेक्चर वन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं पार्ट वन के देखो, मेरी बात सुनना, हमने कितने पार्ट करे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट होते हैं टोटल, 20, अगर हम उसको अमेंडमेंट को गिने तो 25 पार्ट हुए, वरना 22 पार्ट होते हैं। अब सुनना, देखो पार्ट वन है ना, पार्ट वन हमारा, ये हमारा पार्ट वन है। ये किसके बारे में डिस्कस करता है, ये पार्ट वन हमारा, पार्ट वन के अंदर आर्टिकल चार है, पार्ट वन में आर्टिकल चार है। और पार्ट वन की हेडिंग क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसके अंदर क्या बोलता है आर्टिकल वन के अंदर, आर्टिकल वन के अंदर ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, मतलब इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन तो हमारा प्रियम्बल होता है, उसको कन्फ्यूज मत करना, वर्ड्स को कोरिलेट करो, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है भाई। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब एक चीज बताओ, इसमें हिंदुस्तान क्यों नहीं लिखा हुआ, ये भारत वर्ड कहाँ से आया, ये ध्यान रखना। भारत वो पूछेगा एमसीक्यू के अंदर कि ये भारत इंडिया को कौन से वर्ड से करा है, तो भारत से करा है डिनोट। हिंदुस्तान क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारा प्रियम्बल बोलता है कि हम सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री है मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, नेशन का कोई रिलीजन नहीं होगा, और उसमें सारे रिलीजन इक्वल हो गए, ठीक है। देखना पार्ट वन हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, और उसमें हमारे कितने आर्टिकल्स आते हैं, हमारे चार आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। पार्ट टू हमारा सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और उसमें कितने आर्टिकल आते हैं, उसमें सेवन आते हैं। तो पहले वाले में तो सेवन आते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ पहले वाले में तो चार आर्टिकल आए हैं, और दूसरे वाले में सात आर्टिकल आए हैं, ठीक है। सिटीजनशिप को, सिटीजनशिप का ही आर्टिकल हो गया 5 से 11। अब सुनना, कौन कौन, देर आर मेनी वेज टू अक्वायर सिटीजनशिप, या तो जिससे आप सबको मिली होगी, ये तो पक्की बात है कि भाई आप सब इधर पैदा हुए होंगे, आपका बर्थ इधर हुआ होगा तो आपको सिटीजनशिप मिली एक बार। ये जनरल बात है कि हम कैसे कैसे अक्वायर कर सकते हैं, कई बार आ चुका है, मतलब मॉड्यूल में सिटीजनशिप का टॉपिक गिवन है, मॉड्यूल में एक दो आर्टिकल गिवन है, मॉड्यूल में तीन चीज दे रखी है। तो मैं डिस्कस करता हूँ, बाय बर्थ मैं पैदा हो गया, मेरे को सिटीजनशिप मिल गई। बाय डिसेंट मतलब कोई मेरे पेरेंट इंडिया के हैं पर मैं इंडिया में पैदा नहीं हुआ तो मेरे को सिटीजनशिप मिल गई। और रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब मेरी एंसेस्ट्री इंडिया से है और मेरे पास उसका प्रूफ है तो मेरे को सिटीजनशिप मिल गई। मतलब मैं एक एक स्टेज ऊपर जा रहा हूँ फैमिली के अंदर, मैं खुद, मेरे पापा, और इसके अंदर मेरे पापा के पापा, एंसेस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। सिटीजनशिप, भारत की सिटीजनशिप मिलने के क्या तरीके हमारे आर्टिकल्स में गिवन है, जो सिटीजनशिप का पार्ट टू है ना, इसके अंदर जो आर्टिकल्स है इनमें ये गिवन है। पार्ट फोर नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद इंडिया बट स्टिल वॉन्ट टू एक्वायर। अब मैं तो बाहर पैदा हुआ हूँ, अब सोनिया गांधी का एग्जाम्पल लो, सोनिया गांधी कहाँ पैदा हुई है, इटली में पैदा हुई है, पर वो आज की डेट में सिटीजन है ना हमारी, सिटीजन है या नहीं है, तो उसने कैसे करा, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब आपको कोई सर्टेन गाइडलाइंस होती है, उतने पीरियड में आपको इंडिया में ही रहना पड़ता है लगातार, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो नेचुरलाइजेशन हो गया, वर्ड ध्यान रखना। और फोर्थ, फिफ्थ हो गया हमारा एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। मान लो हमने किसी स्टेट को, किसी नई चीज़ को एक्वायर कर लिया, तो जो उसके लोग हैं ना वो अब हमारे कंट्री की सिटीजन बन जाएंगे। जैसे गोवा इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया का पार्ट नहीं था, हमने इसको 1961 में एक्वायर करा किसी एग्रीमेंट से, तो एक्वायर करने के बाद जो गोवा के सिटीजन्स है ना वो अब इंडिया के सिटीजन्स हो जाएंगे, दे आर ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये है ना 5 से लेकर 9 में गिवन है ये चीज़ें कि भाई आप कैसे, आपको प्रोसीजर क्या है सिटीजनशिप का। पार्ट टू है, देखो बहुत सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ज़्यादा पार्ट नहीं है, चार ही पार्ट है ध्यान रखने वाले। पार्ट वन चार आर्टिकल, पार्ट टू सेवन आर्टिकल, सिटीजनशिप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब सुनना देखो, आर्टिकल आर्टिकल 10 और 11, इसमें ये तो हमारे इसके बेसिस पर है, और आर्टिकल 10 और 11 क्या करते हैं, पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो सिटीजनशिप
कंट्रोल कर सकती है, सिटीजनशिप में चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, इस अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। जैसे अभी तुमने देखा होगा CAA पे काफ़ी विवाद हुआ, क्या आपने इन लोगों को सिटीजनशिप कैसे दे दिया, आप इन लोगों को सिटीजनशिप कैसे दे रहे हो, तो वो किसने करा, वो पार्लियामेंट ने करा। किस आर्टिकल के तहत करा, आर्टिकल 10 और 11 बोलता है कि हम पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो सिटीजनशिप अपने हिसाब से रेगुलेट करे कंट्री की, ठीक है। ये चीज़ हो गई, सॉरी फॉर दैट। एंड आर्टिकल 10 क्या होता है, इट सेज दैट पीपल हु कैन बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल रिमेन टू बी सिटीजन अनलेस पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ। ये कोई जनरल बात है कि 10 और 9 ना MCQ के अंदर यही आएगा कि भाई पार्लियामेंट के रिलेटेड है, सिटीजनशिप के रिलेटेड है, और इनकी तरीके से सिटीजनशिप तो मिलेगी। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता तो इनके तरीके से तो मिलेगी, और पार्लियामेंट बनाता है तभी भी इनके तरीके से तो सिटीजनशिप मिलेगी ही, जब तक पार्लियामेंट मान लो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही हटा दें तो रजिस्ट्रेशन कट जाएगा। पर अभी पाँचों ऑप्शन है प्लस पार्लियामेंट के जो एडिशनल लॉज हैं उनके बेसिस पर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 4 ही पार्ट डिस्कस करेंगे, 4 पार्ट है डिस्कस करने के, ठीक है। उसमें हमने पार्ट 1 के अंदर हमने 4 आर्टिकल्स देखे, पार्ट 2 में हमने 7 आर्टिकल्स देखे, अब पार्ट 3 देखना। पार्ट 3 हमारा सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, वर्ड्स में मत जाना, इसके अंदर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना उतना उसके अंदर सबसे बड़ा है। पार्ट 3 क्या होता है, 12 से लेके 35 आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल 12 से लेके 35 किस में गिवन है, पार्ट 3 में गिवन है, ठीक है। अब सुनना, इसमें क्या है, पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 में पहला आर्टिकल डिफाइन करता है स्टेट को। व्हाट इज स्टेट, स्टेट इज एवरीथिंग, स्टेट इज गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेशन, स्टेट इज स्टेट गवर्नमेंट प्लस इट्स लेजिस्लेटिव बॉडीज, स्टेट इज लोकल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग म्यूनिसिपैलिटी एंड एवरी लोकल अथॉरिटी हु वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट। सो स्टेट इज एवरीथिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ लिखा है स्टेट क्या होगी, देखो आर्टिकल 1 में तो हमें बताया इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर स्टेट्स डिफाइन एग्जैक्टली कहाँ हुआ, एग्जैक्टली आर्टिकल 12 में हुआ, पार्ट 3 में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 देखा, उसमें 4 आर्टिकल है, ठीक है। पार्ट 2 देखा, उसमें हमारे 7 आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक। फिर हमने देखा पार्ट 12, पार्ट 12 में हमारा स्टेट वर्ड डिफाइंड है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 3। देखो ये जो पार्ट थ्री के अंदर आर्टिकल 13, इसके अंदर क्या बोला है कि एनी लॉ इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, इट विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच इट कर्टेल्स एनी सच राइट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉ, अभी मैं इस ये जो पार्ट 3 है ना इसमें ही आपके फंडामेंटल राइट्स गिवन है सारे, ये 12 और 13 तो इंट्रोडक्शन देता है एक तरीके से पार्ट 3 का, और उसके बाद आपके सारे राइट्स ही गिवन है, तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 12 बोलता है कि डिफाइन, उसने स्टेट को डिफाइन कर दिया। फिर आर्टिकल 13 बोलता है कि देखो भाई फंडामेंटल राइट है ना सुपीरियर है, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर, इसको कोई भी लॉ अगर चेंज कर लो, कोई भी लॉ इससे भिड़ेगा, अगर कोई भी लॉ इससे भिड़ेगा तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो लॉ ऑटोमेटिकली डी एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, और ऐसा पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो। पर एक चीज़ सुनो, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, कोई भी राइट हमें एब्सोल्यूट नहीं मिलता, एवरी राइट कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, नो राइट इन द यूनिवर्स इज एब्सोल्यूट। मैं घूमने जा सकता हूँ, मैं पूरी कंट्री में घूम सकता हूँ, मैं बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकता हूँ, नो, एवरी राइट इज विद एवरी राइट कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आर्टिकल 12 में हमारे स्टेट डिफाइन हुआ, आर्टिकल 13 में हमारा फंडामेंटल राइट्स डिफाइन हुआ, फंडामेंटल राइट्स के अंदर मतलब उसने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन एनी अदर लेजिस्लेशन एंड इफ एनीथिंग दैट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट इट विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट दैट, उस एक्सटेंट तक ही वॉइड होगी जिस क्राइटेरिया पे वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है, ठीक है। नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट इन नेचर एंड ऑल द राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लेजिस्लेशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट ओनली एंड नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो जो फंडामेंटल राइट्स, पहले अभी हम इस पॉइंट पर अभी हम आएंगे, अभी इसको करते हैं, ठीक है। अभी अब मैं देखो आर्टिकल
आर्टिकल 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 हो गया, 10 11 हो गया। देखो आपको एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं करना, आपको सिर्फ उसका कोरिलेशन याद रखना है कि ये आर्टिकल किस सेक्शन में दे रखा है, उसके हिसाब से एमसीक्यूज बहुत ईजी आएंगे। एक बोलेगा सिटीजनशिप, एक बोलेगा फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप कर दो 5 से 11 के बीच में जो आर्टिकल है, और ज़्यादा आर्टिकल याद नहीं करेंगे। अपने टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395 आर्टिकल, हम 395 आर्टिकल थोड़ी याद करेंगे, हम तो 32 समथिंग याद करेंगे, 32 भी पूरे नहीं करेंगे, सिर्फ उनको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट थ्री हो गया, पार्ट थ्री के अंदर 12 13 हुआ, बाकी के कहाँ गए, बाकी के भी आ रहे हैं अभी। देखो अभी टेबल पे ध्यान मत देना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब सुनना, हमने 12 डिस्कस कर लिया, हमने 13 डिस्कस कर लिया। अब सुनना, राइट टू इक्वालिटी कहाँ पर गिवन है, 14 to 18 में गिवन है। राइट इक्वालिटी का राइट, समानता का अधिकार, कि हम हमारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, कोई भी सेक्स क्रीड उनके बेसिस पर हम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट बोल रही है मेरा दोस्त है इसको मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, ऐसा नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 के अंदर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्रीडम, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ फ्रीडम, हम जैसे इसके अंदर हम 6 7 राइट डिस्कस करते हैं कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं पीसफुल असेंबली कर सकता हूँ। मीडिया के राइट्स भी राइट टू फ्रीडम से ही डराइव होते हैं, मीडिया के राइट्स भी राइट टू फ्रीडम से ही डराइव होते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन का सेक्शन ये है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सेक्शन ये है, कल्चरल राइट्स का ये है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का 32 तक है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फंडामेंटल राइट्स बड़ा चैप्टर है, सिर्फ इसमें दिक्कत आएगी, बाकी जुडिशरी और बहुत ईजी है, अभी मैं सब करा दूंगा। ये वाला थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, पर हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, अभी हम आते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ये सारे तो हमारे राइट्स हैं, ये जो फिफ्थ तक है ना, ये तो सारे हमारे राइट्स हैं, कि अगर इनका वॉयलेशन हुआ तो हम कोर्ट में इनको अप्लाई कराने के लिए जा सकते हैं। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, तो मेरा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम खराब हो गया, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ। पर एक और बात दोबारा, ये सारे राइट्स किसके साथ आते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, जो टाइम टू टाइम लेजिस्लेशन इम्पोज करती है, कि नो राइट इज एब्सोल्यूटेड नेचर, इस बात का ध्यान रखना। हाँ तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो हम मैंने कहा था कि ये पाँच मतलब फंडामेंटल राइट तो देखो सारे हैं, ये पांच के वॉयलेशन पर हम कोर्ट जा सकते हैं, पर ये रेमेडी बताता है, ये बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर इनका वॉयलेशन हुआ तुम कोर्ट जाओगे तो कोर्ट क्या करेगी, वो हमें ये आर्टिकल बताता है 32। तो हम पहले इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, फिर हम ये चारों देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब बात समझ में आई ना, कि हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और देखो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना, लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए। और इनके नोट्स हो रहे सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आएंगे, लिंक नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन करो। फ्री मॉक्स भी होएंगे, फ्री क्विजेस भी होएंगे, कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा फ्री में, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो आर्टिकल 32 हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलता है, तो ये बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तुम्हें राइट सारे दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, तुम्हें राइट सारे दे दिए, पर अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी रेमेडी नहीं बताई कि अगर उनका वॉयलेशन हुआ तो तुम लोग क्या करोगे, तो उन राइट का कोई मतलब नहीं है, ऐसा ये रेमेडी बोलता है। इसलिए इसका नाम, इट इज़ अ रेमेडियल राइट एंड बेस्ड ऑन अ मैक्सिम, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, मॉड्यूल में गिवन है, वो भी जैसे भी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, अगर राइट है तो उसकी रेमेडी होना ज़रूरी है, तभी उस राइट का मतलब है। तो हमेशा जहाँ पर राइट होता है वहाँ उसकी रेमेडी होती है, ये हमारा मैक्सिम हो गया, पक्का एमसीक्यू में आ सकता है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनना, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, इनके एनफोर्समेंट के लिए, इनके एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशरी में 3 कोर्ट्स होती है, अभी हम जुडिशरी डिस्कस करेंगे, मैं एक चीज़ सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, जुडिशरी में 3 कोर्ट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट सबको पता है, हाई कोर्ट सॉरी और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो अब सुनना, ठीक है, हाई कोर्ट ये जो, अब सुनो, इस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए
जो चीज कोर्ट इशू करती है, जो ऑर्डर कोर्ट इशू करता है, उसे उन्होंने उसे कहते हैं रिट। द ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट इन द ड्यू कोर्स ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन, द कोर्ट रिलीजेज द ऑर्डर, और वी कैन से रिट। रिट इज ऑफ सेवरल टाइप्स, रिट इज ऑफ फाइव टाइप्स। तो इन आर्टिकल इन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, द कोर्ट रिलीजेज, द कोर्ट हैज द पावर टू रिलीज अ रिट, एंड देयर ऑफ सेवरल टाइप्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं हाई कोर्ट को ये पावर किसने दी, आर्टिकल, सॉरी सेक्शन नहीं है, आर्टिकल, ये याद कर लेना, कई बार पूरे रिट के अंदर ये रिपीट है। हाई कोर्ट रिट किस ऑर्डर, किस सेक्शन के थ्रू इशू कर सकता है, कहाँ पर उसका राइट लिखा है, इस राइट के अंदर इशू कर सकता है, और ये कहाँ कर सकता है, आर्टिकल 32 के अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल हाई कोर्ट का 226 लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का 32 लिखा है। ठीक है, रिट्स आर पास्ड फॉर द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फॉर द एन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑर्डर फॉर देयर एन्फोर्समेंट। ठीक है, अब सुनना, ये मॉड्यूल में मेंशन नहीं है पर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जो आर्टिकल 32 है ना, इसको सॉरी बी आर अम्बेडकर ने राइट हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक है, अब सुनना, टाइप्स ऑफ राइट, लोग पता नहीं इसमें कितने लेक्चर लगा देते हैं टाइप्स ऑफ राइट में, 5 मिनट का टॉपिक नहीं है। पांच तरीके की रिट होती है, पांच तरीके की रिट होती है। पहला होता है मैंडमस, मैंडमस सुनना मेरी बात, मैंडमस। दूसरा है हेबियस कॉर्पस, इसका सीक्वेंस नहीं है, रिट्स है बस, और ये कोई हमारे वॉयलेशन के लिए कोर्ट इशू करता है। आप सुनो, हेबियस कॉर्पस, कॉर्प इसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस रिट तब इशू होती है जब, जैसे मान लो मैंने तुम में से किसी को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अपने घर पे बंद कर लिया, तो तुम्हारे फैमिली या तुम्हारे रिलेटिव, जो भी तुम्हारे जान पहचान होगा, वो कोर्ट जाके बोलेगा कि इसके पास क्या अथॉरिटी है मेरे इसको पकड़ने की। तो फिर कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करेगी कि भाई तू डिटेन कैसे कर रहे हैं, टू हैव द बॉडी, तेरे पास बॉडी कैसे है उसकी, बॉडी मतलब जिंदा भी, और जिंदा की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई बॉडी कैसे है। तो हेबियस कॉर्पस की रिट ऐसे होती है। मैंडमस, मैंडमस मतलब वी कमांड, मैंडमस मतलब वी कमांड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम बोलते हैं कि भाई तू काम कर, मेरे घर के बाहर से 5 दिन तक वो गार्बेज वाला व्हीकल नहीं आया, तो मैंने मैंडमस की रिट बोली कि भाई तेरा काम है, तेरा पब्लिक पब्लिक ऑर्डर के, देखो रिट्स ये पब्लिक ऑर्डर के लिए, कि भाई तेरा काम है, मैं किसी को, मैं मेरे पास में शॉप है, मैं उसको रिट इशू करके, मैं कोर्ट से उसको रिट इशू करा के बोलूंगा तो दुकान खोल, तेरा काम है, उसकी मर्जी दुकान खोले नहीं खोले, पर कोई पब्लिक अथॉरिटी वाला बंदा है और उसने अपना काम नहीं कर रहा, तो हम कोर्ट के पास जाके बोलेंगे मैंडमस कि रिट इशू करो, और मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, सारी पावर हमारे पास है, हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। ठीक है, अब सुनना, देखो प्रोहिबिशन और सरश्योरी, सरश्योरी की रिट होती है, इन दोनों की रिट मोस्टली सेम होती है, एक हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब ये दोनों रिट नीचे आती है, नीचे कैसे, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कर सकता है, लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट नहीं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको कर सकता है, मतलब ये इसका पैटर्न क्या है, नीचे आने का, किसका, इन दोनों ऋषि, इन दोनों रिट का। आप सुनना, प्रोहिबिशन के रिट में क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट, टू प्रोहिबिट, टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग, और सर्श्योरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। ठीक है, अब देखना, अब सुनना मेरी बात, मैंडमस वी कमांड, हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस, कॉर्पस के शायद ग्रीक व्रीक में मतलब बॉडी भी होता है, तो इसलिए हेबियस कॉर्पस के रिट वहां से आई है। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट और टू सर्टिफाई, इसके अंदर ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली, मान लो सुनो, कोई कोई केस हुआ मद्रास के अंदर, और एक जना जाके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली एक एक रूल होता है कि जहां पर क्राइम हुआ है उसकी जो कोर्ट है वही उसको, उसकी जो हाई कोर्ट है उस स्टेट की वही उसको डिसाइड करेगी, दिल्ली हाई कोर्ट में ये बंदा जाके केस फाइल करता है, तो और तो जो डिफेंडेंट होता है ना, जो मतलब सुनना मेरी बात,
ए बी, बी ने ए के साथ कुछ गलत करा, बी ने ए के साथ कुछ गलत करा। ए, ये दोनों कहाँ रहते हैं, मद्रास, ये इधर रहते हैं मद्रास वाली जगह, इस स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर जुरिडिक्शन में ये लोग रहते हैं। ये जाके दिल्ली हाई कोर्ट में बोल रहा है कि, दिल्ली हाई कोर्ट में बोल रहा है ये चीज़ें हुई है। तो ये जो बी है, ये सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा कि इनको रोको, इस दिल्ली हाई कोर्ट को रोको और इसको बोलो कि भाई तेरे पास अथॉरिटी नहीं है, टू प्रोहिबिट हिम टू फॉरवर्ड विद द केस, टू प्रोसीड विद द केस। बी ने ए के साथ कुछ गलत करा। ये दोनों कहाँ रहते हैं, ये इस स्टेट के जुरिडिक्शन में रहते हैं, इस स्टेट के जुरिडिक्शन में रहते हैं, इनको जाना चाहिए था। ये ए चले गए दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जाने एप्लीकेशन देने के बाद बी गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोला, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का फादर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इसको रोको, इसको प्रोहिबिट करो, ये इस केस को सुन ही नहीं सकता, ये इस केस को प्रोसीड ही नहीं कर सकता, तो आप इसको बोलो कि जाओ मद्रास हाई कोर्ट जाओ, आप इसको प्रोहिबिट करो। तो ये तो होता है प्रोहिबिशन की रिट, मतलब केस चालू नहीं हुआ, केस चालू होने से पहले ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। सर्श्योरिटी की रिट क्या होती है, ये केस वेस सब चालू हो गया, फिर जाके है ना, ये केस चालू होने के बाद फिर से डिस्टर्बेंस आया है वेंडर्स के कारण, प्लीज कॉपरेट। तो ये इसके अंदर जाके, मतलब सुनो, सर्श्योरिटी का मतलब होता है सर्टिफाई करना, इसने अपना फैसला दे दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट गया और बोलेगा इसके पास राइट ही नहीं था फैसला देने का, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट करना, सर्टिफाई करना, ये ऊपर वाली हाई कोर्ट में जाके सर्टिफाई कराएगा, वो बोलेगा देखो भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, आप बताओ ये सही है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी अरे इसके तो ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज़ फॉल ही नहीं करती, उसने फैसला कैसे दे दिया, इसने अपनी अनलिमिटेड पावर लगा दी, इसने एरर कर दी कैलकुलेशन में। कोर्ट के अंदर जजेस ही तो बैठते हैं, जजेस से गलती नहीं हो सकती, हो सकती है, तो इसने एरर करी है तो सर्टिफाई करो, ठीक है। चार रिट ये हो गई, पहले चार रिट कर लेते हैं फिर वो कर लेंगे। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस की रिट क्या है, इलीगल डिटेंशन होता है, यू हैव द बॉडी, ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन वॉट ग्राउंड यू हैव केप्ट द पर्सन, एंड इफ यू हैव केप्ट द पर्सन ऑन इलीगल ग्राउंड तुम उसको जल्दी से जल्दी फ्री कर दो, यू शुड फ्री इमिडिएटली। मैंडमस की रिट होती है वी कमांड इशू टू डायरेक्ट एनी पर्सन कॉपरेशन रिक्वायरिंग हिम टू डू अ पर्टिकुलर थिंग इन कोर्स ऑफ इज पब्लिक ड्यूटी, बेसिकली फॉर द इंफोर्समेंट ऑफ राइट अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी ओनली। दुकान वाले को नहीं बोलूंगा तो दुकान खोल, उसकी मर्जी है दुकान खोले नहीं खोले। प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट इशूड फ्रॉम अपर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लोकल अथॉरिटीज फ्रॉम प्रोसीडिंग विद अ केस विच डज नॉट फॉल अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन। टू प्रोहिबिट करना, टू सर्टिफाई करना, इशूड वेन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैव एक्टेड इन एक्सेस ऑफ देयर लीगल अथॉरिटी, दैट इज कमिट्स एरर, जजेस एरर कर सकते हैं, या एक्सेस ज्यूरिडिक्शन, उनका अधिकार ही नहीं था उस ज्यूरिडिक्शन, उस केस को प्रोसीड करने का, फिर भी उसने उसका फैसला दिया, तो ये रिट अपर हाई कोर्ट इशू करता है। ये दोनों चीज़ एक ही है, प्रोहिबिशन और सर्श्योरिटी। इसमें आफ्टर द अथॉरिटी एक्सरसाइज पावर, उसने डिसीजन दे दिया और इसमें डिसीजन देने से पहले ही वो चले गया, ठीक है। फिफ्थ रिट क्यो वॉरेंटो, क्यों भाई, इसका याद करने का तरीका क्या है, क्यों भाई, क्या क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। कोई पब्लिक ऑफिस में एक आदमी बैठा है और मेरे को पता लगा कि वो पब्लिक ऑफिस में बैठने लायक था ही नहीं, उसने कोई हीनियस क्राइम कर रखा है, उस पर कोई क्राइम चल रहा है, ऐसा करके कुछ भी हो रहा है, तो मैं कोर्ट जाके बोलूँगा इसको बोलो ये किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस में बैठा है। अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर ओनली, द होल्डर ऑफ द ऑफिस नीड्स टू शो अंडर वॉट अथॉरिटी इज होल्डिंग, क्या वो केपेबल है होल्ड करने के या वो अनकेपेबल हो चुका है। ऐसा कभी कभार होता है ना कि भाई जो पब्लिक पोस्ट होती है, जो हमारी पब्लिक पोस्ट होती है, अगर उसमें कोई हीनियस हीनियस क्राइम हो रखा है तो पब्लिक ऑफिसर उसको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, अगर सस्पेंड नहीं करा और वो कंटिन्यूशन में है तो मैं कोर्ट जाके बोलूंगा इसको बोलो ये इनकॉम्पिटेंट है इस चेयर को होल्ड करने के लिए, इसको चेयर से रेजिग्नेशन दिलवाओ। तो बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यों भाई। तो अब देखो रिट्स, रिट्स किसके लिए इश्यू होती है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 32 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, 32 हाई कोर्ट का क्या है, 226 है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 226 है, एकदम सही है। और राइट्स कौन सी होती है, मैंडमस, वी कमांड,
हिबियस कॉर्पस यू मे हैव द बॉडी प्रोहिबिट टू प्रोहिबिट प्रोहिबिशन टू सर्चरी क्यू वॉरंटो क्यू बाई बाई वॉट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन दिस पब्लिक पोस्ट। तो ये हमारा 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। इसमें सारी रिट्स मैंने कवर कर दी, ये रिट्स इतनी, इसमें आपका पेपर MCQ बेस्ड है, इस बात को ध्यान रखो। जितना जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे और जितना पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना अच्छा होगा। हर चीज़ में मत फंसो डिटेल में, ऊपर ऊपर से सिलेबस एक बार कवर करो। और रिट्स यही है, इसके अलावा रिट्स में कुछ नहीं है, फालतू बातें दे रखी है रिट्स के अंदर, ठीक है। अब सुनो, अगर अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही गए तो जुडिशरी पर पहुंच के इस जुडिशरी वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इंडियन जुडिशरी इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दिस इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाई कोर्ट इज टुडे द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स। अपील्स मतलब सिविल क्रिमिनल केस की, इसके ऊपर अपील नहीं कर सकते कि मेरा केस सुनो, मैं हाई कोर्ट में केस आ गया। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उनको इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, मेरे किसी ने कोई लॉ बना दिया, उससे मेरे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गया, भाई मेरे राइट वॉयलेट हो रहे हैं, हमने आर्टिकल 13 में करा था कि एनी लॉ इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, तो आप मेरे को है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको सस्पेंड कर दो लॉ को, या मेरे को इंटरप्रिटेशन दो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जुडिशरी ये होती है बिफोर इंडिपेंडेंस, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों चीज़ सुप्रीम कोर्ट मैनेज करती है। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के टाइम प्राइवेसी काउंसिल और फेडरल कोर्ट होती थी। प्राइवेसी काउंसिल अपील की होती थी सिविल क्रिमिनल केसेस में, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को फेडरल कोर्ट मैनेज करती थी। पॉइंट है, मॉड्यूल में था इसलिए लिखा है, कर लेना। फेडरल कोर्ट ये MCQ बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेसी काउंसिल फेडरल कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्स अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस आ गया कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग क्या है, हाई कोर्ट से जो अपील आती है उसको एंटरटेन करता है, रिट इशू करता है, हमने अभी पढ़ा। और सुप्रीम कोर्ट का एक और फंक्शन है, वो ये हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, ये हमारे प्रेसिडेंट को, जब प्रेसिडेंट किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन पूछता है प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है प्रेसिडेंट की बात पर उसको रिस्पॉन्स करना, उसको इंटरप्रिटेशन बताना, उसको एडवाइस करना, ठीक है। हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, सिविल क्रिमिनल इन सब के मैटर को देखते हैं, रिट इन्फोर्स कर सकते हैं। अब सुनना मेरी बात, एक चीज़ देखो, सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, इससे पहले तो ये दो काउंसिल होते थे। हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट हमारा, हाई कोर्ट पहले से था, ब्रिटिशर्स का टाइम हाई कोर्ट था। इट फर्स्ट एग्जिस्टेड थ्रू इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से ब्रिटिशर्स के टाइम ये हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता था, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम हमारा जो हाई कोर्ट है ना वो इंडिपेंडेंट के बाद नहीं आया, इंडिपेंडेंट से पहले इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने उसको इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। कैलकटा हाई कोर्ट है हमारा फर्स्ट हाई कोर्ट, और हमारे थ्री मेन हाई कोर्ट हुआ करते थे। थ्री मेन हाई कोर्ट कौन से हुआ करते थे, कैलकटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कब, इंडिपेंडेंस से पहले। तो इंडिपेंडेंस से पहले रिट इशू करने की पावर भी इन तीनों के पास ही थी, इंडिपेंडेंस के बाद सारे लोगों को पावर दे दी, सारे हाई कोर्ट और सारे सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर दे दी अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32। पहले ये तीन कोर्ट ही ब्रिटिशर्स के टाइम रिट इशू कर सकते थे, कि तीन हमारे मेन एरिया थे, मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे, ये तीन हमारे मेन एरिया थे उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम, ठीक है। अब सुनना, टोटल हाई कोर्ट्स हमारी कितनी स्टेट्स हैं हमारे, देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कमेंट करना, करा कमेंट, ठीक है, सच कमेंट करना। 28 स्टेट्स हैं हमारे करेंटली, तुम बोलो कि 29 हो गई थी, भाई 29 तो हो गई थी, फिर जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो 29-1 28 स्टेट्स है अभी करेंटली, ठीक है। तो हाई कोर्ट कितनी होनी चाहिए, 28 नहीं है, 24 ही हाई कोर्ट, क्यों, हर, अब सुनो, ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन चार स्टेट्स की एक हाई कोर्ट बना दी, गुवाहाटी, क्योंकि इन चार में केसेस और कम आते हैं, वहां पर वर्कलोड कम है, वर्क प्रेशर कम है, तो चार स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट बना दिया। असम, नागालैंड में कोई दिक्कत होगी वो गुवाहाटी जाएगा, गुवाहाटी कहां पर है, असम में, ठीक है। तो चार स्टेट्स की एक हाई कोर्ट बना दी, मतलब हाई कोर्ट ओवरलैप कर सकती है, जैसे पंजाब और हरियाणा दो अलग स्टेट है पर उनके हाई कोर्ट क्या है, एक, तो ये दो केसेस है जिनमें वन हाई कोर्ट इज हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर टू स्टेट्स, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, थर्ड क्या बचा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होती है, छोटी छोटी कोर्ट्स होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल ऑफिसर होता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, तो हमारा रिट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इस पर इन चारों को प्रोसीड करेंगे, जो हमारे राइट्स है ना मेन, इन चारों को हम इसके बाद प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये रहा, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब सुनो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है कि हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होनी चाहिए, ये स्टेट अपने उसके अंदर बनाता है, ये स्टेट की अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनती है, स्टेट की अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनती है, ठीक है। नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज क्रिएटेड बाय डिफरेंट लेजिस्लेचर्स, मतलब या फिर या लेजिस्लेचर से बनती है, जो हमारा पार्लियामेंट लॉ पास करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में लिखा नहीं है। ये भी इसमें वेरियस कैटेगरीज है, वेरियस कैटेगरीज कैसे, सबसे पहले तो हो गई हमारी सिविल कोर्ट, ये बहुत ढंग से समझना क्योंकि ये मॉड्यूल में थोड़ा कन्फ्यूजिंग दे रखा है, सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट। देखो सिविल क्रिमिनल का मतलब समझते हो, सिविल का मतलब होता है कि डैमेज करा, मैंने किसी को पर्सनल नुकसान पहुंचाया, मैंने कोई क्राइम नहीं करा। देखो सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क बहुत है, सिविल एंड क्रिमिनल में फ़र्क है, सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क है कि सिविल के अंदर मैंने क्या करा कि मैंने, मेरे को सोचने दो, देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको आगे, उसमें डिटेल में समझाऊंगा, टॉर्ट में डिटेल में आएगा, पर अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर कि तू मेरे को ये चीज़ 500 में बेचेगा, तो मैंने उससे आर्टिकल ले लिया और मैंने कहा मैं तेरे को 2 दिन में पैसे दूंगा, पर मैंने उसको 500 रुपये दिए नहीं, तो मैंने कोई क्राइम नहीं करा, मैंने क्राइम तो करा उसको 500 रुपये नहीं देने का, तो वो सिविल कोर्ट जाएगा, ठीक है, पर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, वो क्रिमिनल हो गया, बहुत हीनियस हो गया वो, ठीक है। तो ये सिविल और क्रिमिनल का फ़र्क है, तो इन दोनों की कोर्ट्स अलग होते हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएशन है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है, वो सारी चीज़ें सुनती है, बट डिस्ट्रिक्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में इनका डिफरेंशिएशन है, सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट इज ऑल्सो, सिविल कोर्ट इज ऑल्सो नोन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज सेशन कोर्ट, ठीक है, ये बात हो गई। क्रिमिनल सिविल कोर्ट इट इज द, अब सुनो, सिविल रिलेटेड टू डैमेज इंजरी टू इंडिविजुअल, क्रिमिनल आर टेकन एज हार्म अगेंस्ट द सोसाइटी, अगर मैंने मर्डर करा है तो उससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी, मेरे आस पड़ोस के सारे लोग मेरे से डरने लग जाएंगे, तो वो सोसाइटी एट लार्ज का क्राइम होता है और ये हमारा इस चीज़ का क्राइम होता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। सिविल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट हमारा, सिविल कोर्ट के अंदर सिविल मैटर्स देखते हैं, और सिविल कोर्ट के अंदर क्या होता है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, क्रिएटेड अंदर स्टेट लॉ, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट होती है ना बहुत, स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होती है यार, अब छोटे मोटे क्राइम के लिए मैं क्या, हमारे जैसे जो मेन हाई कोर्ट है वो स्टेट में तो एक ही होती है, कोई अगर उस स्टेट के एकदम बॉर्डर एरिया में रहता है तो क्या वो सेंटर में आएगा उस चीज़ के लिए, नहीं आ सकता, तो सिविल कोर्ट जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, और अगर क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल कोर्ट जाएगा, पहले सेशन कोर्ट जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मुंशिफ होते हैं, मुंशी बोलो मुंसिफ बोलो जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर, पता है ये तो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, इसके अंदर इन छोटे मोटे और अलोकेशन कर देता है, ये डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ऑर्डर हैविंग सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके अंडर में, ये तो एक कोर्ट हो गई डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, 3 4 5 लोगों को एक चैम्बर बना के अलॉट कर देते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मुंशी हो गया कि, और ये इसके अंडर वर्क करते हैं, तो ये पहले इधर जा सकते हैं फिर इधर जाएंगे, ऐसे करके प्रोसीजर है। क्रिमिनल कोर्ट सेशन कोर्ट हो गई हमारी, कैन गिव सेशन कोर्ट, अब सुनो ये जो हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, इसमें जो सेशन कोर्ट होती है ना, ये सारे क्रिमिनल मैटर्स में जजमेंट दे सकती है, जितना मर्जी चाहे दे सकती है, पर डेथ पेनल्टी नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे 3 टायर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर इसने डेथ पेनल्टी दे दी और उसको हार्ट अटैक आ गया हमारे विक्टिम को, और बाद में वो हाई कोर्ट उसके रिलेटिव गया और पता लगा कि विक्टिम तो दोषी था ही नहीं, तो जिम्मेदार कौन होगा, सेशन कोर्ट जिम्मेदार होगी। सेशन कोर्ट में केस आया, उसने उसको डेथ पेनल्टी दे दी, वो विक्टिम हार्ट अटैक से मर गया, उसके रिलेटिव हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि, उन्होंने दोबारा अपील करी, सारा प्रोसीजर हुआ, हाई कोर्ट ने कहा कि ये विक्टिम तो लाइबल था ही नहीं,
और अब उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल सेशन कोर्ट हुआ, तो बिना हाई कोर्ट की परमिशन के डेथ पेनल्टी कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय सेशन कोर्ट्स, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। अब सुनो, ये चीज़ हो गई। अब सुनो ये मैजिस्ट्रेट का क्या कॉन्सेप्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं ना उसके अंदर एक तो हमारी सेशन कोर्ट हो गई और एक मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। मैजिस्ट्रेट्स, मैजिस्ट्रेट और जज में फ़र्क है। मैजिस्ट्रेट इज अ लोकल ऑफिसर, वो पिटी क्राइम्स करने के लिए, इन चीज़ों के लिए उसको अलॉट करते थे कि भाई तू ये एरिया ले ले और जाके इसमें जो भी तेरे पिटी विटी क्राइम्स आए ना, मतलब उनको तू जजमेंट दे दे, ठीक है। जज क्या होता है, वो कोर्ट केसेस डिसाइड करता है कोर्ट में। ये इस मैजिस्ट्रेट को या तो हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पर जज किसी भी कोर्ट का जज को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर मोस्टली करता है या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जज बहुत बड़ी बात होती है, उस स्टेट का जज। और मैजिस्ट्रेट एक जुडिशियल ऑफिसर है उस स्टेट के अंदर, जो किसी एरिया में अपना जुरिडिक्शन लेके बैठा है, ठीक है। स्मॉल जुरिडिक्शन हैंडल लीगल केसेस जस्ट इन टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट। और इस जज का तो भाई वो जज है, किसी हाई कोर्ट में जज है, किसी उसमें जज है, तो उसका लार्ज जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास का भी रिस्ट्रिक्शन है, वो 3 साल तक की जेल दे सकता है और 5,000 रुपये तक की पेनल्टी दे सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता। वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा और उसने उसको ये चीज़ दी तो वो ऑब्वियस इसके ऊपर जो इसके ऊपर वाला जो प्रोसीजर होगा उसके पास जाना ही है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फिर भी पिटी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मना रखा है कि मान लो कोई चोरी हो गई, वो चीज़ रिजॉल्व हो गई, उसने अपना क्राइम मान लिया तो उसने पेनल्टी वेनल्टी लगा दी। सेकेंड क्लास ये मॉड्यूल में गिवन है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास इनका, पर इनके ये गिवन नहीं है। 3,000-5,000 के मैंने निकाले हैं, ठीक है। तो चाहो तो एक बार बस फर्क समझने के लिए कि भाई फर्स्ट क्लास की पावर इतनी है, सेकेंड क्लास की पावर इतनी है, ये 3,000 तक के हैं। ओहो, ये क्या लिख दिया, 3,000, हाँ 3,000 तक की ये मैक्सिमम फाइन कर सकता है और मैक्सिमम 1 साल की जेल कर सकता है। अब सुनो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो जस्टिस देने के लिए है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कोई भी वर्डिक्ट पास करने का वो नहीं है कि तुम ही डज नॉट हैव एनी रोल इन यू नो पासिंग द वर्डिक्ट्स। ही डू नॉट पास एनी वर्डिक्ट, रेदर लिमिटेड टू सर्टेन मिसलिनियस केसेस। कोई मिसलिनियस केस हुआ उस पर करता है, ये है ना बेल प्रोवाइड करने के काम आता है। किसी एरिया में कर्फ्यू लगाना है तो इसके परमिशन से लगाते हैं। तो इसका काम केस सुनना नहीं है, इसका काम है ना उस एरिया के अंदर केस सुनना नहीं है, चीज़ों को मैनेज करना बोल सकते हैं। एग्जीक्यूशन का काम है कि लॉस प्रॉपरली फॉलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे, पुलिस वाले फॉलो कर रही है नहीं कर रही। तो देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में दो कोर्ट्स आई, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट कौन सी, हमारी टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें। क्रिमिनल कोर्ट कौन सी, मर्डर हो रहे हो गई। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जज में फ़र्क होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुडिशियल ऑफिसर होता है जिसको हाई कोर्ट या स्टेट अपॉइंट करती है। और फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास हो गया, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, अभी मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा क्योंकि अभी फ्लो बना हुआ है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गई। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम लॉस के अंदर केसेस के अंदर वर्डिक्ट देना नहीं है, वो एग्जीक्यूशन का काम करता है लॉस के, कि लॉस प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब सुनो, ये स्पेशल ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल क्या होता है कि देखो, मैंने कोई एनवायरमेंट का वॉयलेशन करा, मैं हाई कोर्ट में गया, अब हाई कोर्ट को मैं बोलूँगा कि देखो मैंने इतनी ऑक्सीजन लेवल कम करके, इतना पेड़ काट के, इतनी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, तो हाई कोर्ट को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ये करा कि अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स बना दिए। जैसे एनवायरमेंट पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं ना, उनको एनजीटी हैंडल करती है। सुप्रीम कोर्ट वालों की बस की बात नहीं है मैं ये करना, कि भाई उन्हें क्या पता कैलकुलेशन क्या होती है, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। सो एनजीटी इज द वन हु हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ द केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट। तो स्पेशल ट्रिब्यूनल अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, टेक्निकल चीज़ों के लिए हमें वो बना दिया, अलग अलग चीज़ों ऑथोराइज बॉडी को अपॉइंट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा, हमने देखो, हमने अभी तक क्या करा है, हमने अभी तक, हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन करा, हमने कल प्रीएम्बल करा, हमने कल पार्लियामेंट करा, हमने कल सारा लेजिस्लेशन करा, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें कल करी। हमने आज क्या करा, हमने पार्ट समझे। पार्ट 1 के अंदर 4 आर्टिकल आते हैं, पार्ट 2 के अंदर, सॉरी 5 आते हैं,
सॉरी चार ही आते, सॉरी 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 सॉरी, चार आते हैं ठीक है, और इसके अंदर सात आते हैं, और पार्ट थ्री हमारा 12th से लेके 35 हमारा फंडामेंटल राइट्स पे बेस्ड है। हमने बताया था टोटल फोर पार्ट्स आर देयर, अभी उनके बारे में बताए गए। टोटल फोर पार्ट्स होते हैं, मतलब टोटल तो 22 पार्ट्स हैं। ओहो, टोटल 22 पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस करा था, पर हमें फोर पार्ट्स करने हैं। पार्ट वन यूनियन, ये ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि सिक्स फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। सिक्स वर्ड याद रखना, एमसीक्यूज पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सिक्स फंडामेंटल राइट्स के अंदर छः ये होते हैं, पांच फंडामेंटल राइट्स है और सिक्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके अगेंस्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिट, व्हाट इज रिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी जुडिश, फिर मैंने जुडिशरी भी इसके साथ ही करा दी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल पावर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस टॉपिक में कवर करा दी। अब हमें हमारे क्या बच रहे हैं, अब हमारे ये पाँच फ्रीडम बच रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स बच रहे हैं, जो कि कहाँ पर मेंशनड है, जो कि पार्ट थ्री 12 से लेके 35 में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, वी कैन गो टू कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट, कोर्ट एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर पावरफुल देन एनी अदर लेजिस्लेशन। इफ एनी अदर लेजिस्लेशन कॉन्ट्राडिक्ट्स विद दैट राइट, देन दैट लेजिस्लेशन विल बिकम नल एंड वॉइड। ये चीज़ें हमें आपको बता दी। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। देखो, एक दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच है, इसमें दो है, इस चार है, इसमें दो है, इसमें चार है, चार दो एक, पाँच चार दो, चार दो एक, पाँच चार दो, चार दो एक, इनको इनको रिमेम्बर कर लेना। देखो भाई, मेन क्वेश्चन तो इसमें से पता है कहाँ से आएगा, इनमें से आएगा। इनमें से कैसे, 9222 में वो कुछ फ्रीडम की बात कर देगा और बोलेगा कि ये है ना, जैसे उसने 21 दे दिया और उसने फ्रीडम की कोई बात कर दी और ये चारों ऑप्शन दे दिए, एक्सप्लॉयटेशन का, इक्वेटी का है। तो मेन आपको ये चीज़ याद हो जाए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 14 से, देखो 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें हमारा 12 हमारा स्टेट डिफाइन करता है, 13 हमारा वो डिफाइन करता है कि एनी लॉ इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। फिर उसके बाद ये याद कर लो, पाँच चार दो, चार दो एक, इसका कोई एक्रोनियम मेरे को मिला नहीं, अगर मैं मिलूंगा तो अपलोड कर दूंगा ज़रूर। पाँच चार दो, चार दो एक, पाँच चार दो, चार दो एक, पाँच चार दो, पाँच चार दो, पाँच चार दो, चार दो एक, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी कर लेना यार। ये तो देखो डबल हो रहा है, एक दो चार, पाँच चार दो, पाँच चार दो, दो चार एक, चार दो एक, ठीक है, तो ऐसे करके करना। ये पांच फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, पांच फंडामेंटल राइट्स है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके, वाटर ब्रेक लेके फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, तो ठीक है।